बस के इतनी गाले सारी और तो हम बुलाया सी सारे हम ऐसे बसते के ये भी गल चलती चलती रही है। चलो सारी गल हो गया सब बेहतरीन हो गया लेकिन एक कोई आखिरी उम्मीद रह गई है जे साबा के मुस्ताक मकाने जे तो तहरीक लबाक ना खड़े हो जाओ से कबल मेरे संगी
किबला उनके मंगला कुल के अंदर बड़ी मोहब्बत और ज़राफ़त के साथ हमारा वक्त गुजरा है और बड़ा वो मुश्किल वक्त था। अल्लाह ताला ये मौके किसी किसी को अता फरमाता है। क़ियादत हमारी मजबूत थी और उसकी बेहतरीन जो क़ियादत थी वो मुफ्ती साहब की सूरत के अंदर थी, जिसके पीछे चलने पर भी हमें सुरूर आया करता था। तो हजरात, ये जो हम अहले सुन्नत व जमात हैं, इस अहले सुन्नत का दूसरा नाम अहले मोहब्बत है, अहले जन्नत है, और ये दरमियाना मसलक बड़ा मोहब्बत बखेरने वाला मसलक है। इस मसलक के अंदर दायदार सदाकत से लेकर आज दिन तक और क़यामत तक जो भी इस मसलक के मोहब्बत के साए में आगा आएगा कभी बेअदब नहीं बन सकता, हमेशा जो इससे निकलता है बेअदब वही बनता है। अहले सुन्नत, हाँ अंदाज अपना अपना है और सीरतन या सूरतन या दुनिया के किसी उस निज़ाम को चलाने के लिए मामला को अपने अपने हैं, लेकिन अदब के दायरे से कोई नहीं निकल सकता। हजरत ताजदार सदाकत, क्योंकि मैं ख़ानदान नबूवत के उस अजीम सिलसिले की लड़ी से हूँ, मेरे दादा अली हैं और मेरे नाना से दीप के अकबर हैं, इसलिए मुझे नाने से भी बड़ी मोहब्बत है और दादे से भी बड़ी मोहब्बत है। मैं ये कह रहा हूँ कि कुरान करीम पढ़ा जाए, अल्लाह फरमाता है आमिनू कमा आमना नास, ऐ लोग को ईमान लाओ, बारी ताला ईमान की कोई जसामत होगी जिसे देखकर हम उसके पीछे चले, जिसकी कोई सूरत होगी उस सूरत को महसूस करके हम उसके पीछे चले। फरमाया ईमान कैफियत का नाम है, ईमान एक कैफियत से मुतकल्लफ शै का नाम है। तो आमिनू, हम ईमान किस तरह लाए? फरमाया कायनात के अंदर कुछ नफूस मैंने ऐसे बना दिए जो मोहम्मद रसूलुल्लाह के गुलामी के अंदर आए, तो ईमान उन जैसा लो या ना किन जैसा। फरमाया सिद्दीक को मैंने ईमान का मॉडल और नमूना बना दिया है। सिद्दीक को उम्र मॉडल और नमूना बन चुके हैं, अब तुम्हें दाएं बाएं जाने की दौड़ और जरूरत नहीं, तुम इनको मुकम्मल ईमान पाओगे। जो भी इनकी बारगाह के अंदर आएगा अस्हाबी कल नजूम बिन अय्यिहिम इब्तदैतुम इहतदैतुम, सिद्दीक अकबर से लेकर जनाब सैयदना अबी मुआविया तक जितने भी अस्हाब के बारे में किताब लिखी, आप फरमाते हैं जब तुम किताब लिख चुका तो रात जब सोया तो ख्वाब के अंदर जाने का इनाद आए, हुजूर आए, और याद रखें मोहब्बत के साथ बैठे कभी कमी नहीं रहती, हुजूर हर गुलाम को देख रहे हैं। मुफ्ती साहब कहते हैं हुजूर ख्वाब के अंदर आए और फरमाया तूने मेरे यार का दिफा किया, मेरे यार की इज्जत को तूने बचाया, ये दर्जे अस्हाब के दरमियान दर्जे। पहला दर्जा जनाब सिद्दीक अकबर का है जिनके दिफा के लिए हम यहाँ हाजिर हुए हैं। हम अहले सुन्नत हैं, लेकिन याद रखें मोहब्बत का ताल्लुक मोहब्बत के साथ होता है। अगर हमारे जुमला और महबूब नफूस के खिलाफ कोई जबान तान तराज करेगा तो ये मत समझे कि ये मोहब्बत इधर भी आ जाए। याद रखें हुजूर अखलाक के आला के मालिक हैं, तलवार लेकर मैदान जंग में जाना ये भी हुजूर के अखलाक ही है, ये भी हुजूर के अखलाक ही हैं, और ये जंग लड़ना ये भी हुजूर के अखलाक ही हैं। तो जो शख्स सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किसी नस्बत के साथ भी, चाहे वो नस्बत सहाबा कराम की सूरत के अंदर हो, चाहे वो नस्बत हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा की औलाद की सूरत के अंदर हो, आले रसूल की सूरत के अंदर हो, औलिया कामिलीन की सूरत के अंदर हो,
गुनाहगार होना ये अलग बात है, गुनाहगार तो हैं हम, बशर हैं, लेकिन गद्दार होना ये बड़ा बुरा हाल है। और अल्हम्दुलिल्लाह ये दुनिया मान रही है, कुछ अरसा कबल जिनको सिर्फ खत्मों के लिए मशहूर किया गया था, ये सिर्फ खत्म खाने वाले हैं, अब ये खत्म नबूवत पर पैरा भी दे रहे हैं। ये सूरतें बदलती रहती हैं, सूरतें बदलती रहती हैं कि जब खत्म खाएंगे तो खत्म खाएंगे, और जब खत्म नबूवत पे चौकीदारी की बात आई तो बाबा रिजवी पीछे नहीं हटा, मैदान सजा दिया। फरामीन से ये भी है कि जो शख्स मेरे असहाब मेरे साथ, ये जो मुकर्रबीन है, निस्बत रखने वाले हैं, मेरे मुहिबीन हैं, जो इनके साथ तोहीन अमेज लहजा इख्तियार करेगा, बेअदबी और गुस्ताखी करेगा, फरमाया दाल तो वा के लू हूँ वला तुजाते सू हूँ, ना इनके साथ बैठकर तू खाना खाना, ना इनकी मजलिस इख्तियार करना, इनसे दूर हो जाना, क्यों कि ये हर वक्त अल्लाह की लानतों के अंदर है, कहीं तुम करीब जाकर कहीं लानती ना बन जाओ, इसलिए ऐसे लोगों से दूर बचकर मोहब्बत मुस्तफ़ा, मोहब्बत आले रसूल, मोहब्बत अस्हाबे रसूल, मोहब्बत औलिया